वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। ऑलराइट गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ये वीडियोस जो हैं लाइव सेशंस में डिस्कस हुई थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स कुछ बच्चे जो है अटेंड नहीं कर पाए। सो आई थॉट कि इन वीडियोस को जो है फ्री आप लोगों के लिए अवेलेबल किया जाए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ऑलरेडी इससे रिलेवेंट जो पार्ट वन है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मेक श्योर आप पार्ट बाय पार्ट ही प्रोसीड करें, ताकि कोई मिसिंग लिंक बीच में नहीं रहे। पिछले पार्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, एंड आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि उसको हैबिट बना लीजिए, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल रहेगी। साथ में सभी चीज़ों को हम CSIR के क्वेश्चन से रिलेवेंट करके देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाती हूँ जिससे कि और बातें सीखने को मिलेंगी। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सी ये जो है दिसंबर 2017 का कैंसर बायोलॉजी का जो है क्वेश्चन है, एंड सेक्शन सी का ही क्वेश्चन है। ऑब्वियसली देखिए, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ या समझाना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्क, है ना। पढ़ना हमको है, बट स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजिकली भी हमको मूव करना है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब आप समझते हैं, एक चीज़ में कुछ है तो दूसरी चीज़ में कुछ है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है कैंसर बायोलॉजी का है। दो जीन्स, प्रोटोन को जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में बता रखा है। टू क्लासेज ऑफ जीन्स, प्रोटोन को जीन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन यूजली कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोथ ऑफ जीन्स, को स्टेटमेंट्स दी हुई है। आप जरा फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें एंड सेकेंड स्टेटमेंट को देखें। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, बट सिर्फ अंतर जो है वो यहाँ पर है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। सी आप जानते हो कि अगर हम प्रोटोन को जीन के बारे में पढ़ रहे हैं या ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो या तो गेन ऑफ फंक्शन होगा या लॉस ऑफ फंक्शन होगा। नॉलेज तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, हम स्मार्ट चीज़ों पर काम करना चाह रहे हैं ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो जाए। तो देखिए, दोनों तो नहीं हो सकते हैं, एक ही होगा। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है। तो यानी कि ए और बी जो भी ऑप्शन में दे रखा है वो तो बिल्कुल कट जाएगा, बिकॉज एक ही सही होगा इनमें से। तो वन ऑप्शन तो वेरी इनकरेक्ट है। अब हमारे पास सिर्फ तीन ऑप्शन बचते हैं। अब यू नो दैट कि प्रोटोन को जीन की अगर हम बात करते हैं तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से होता है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। बट स्टिल आप देखिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन अगर आप देखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, एक आसान हो जाती है चीज़। ठीक इसी तरीके से सी एंड डी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट सी एंड डी हमें ऑप्शन में नहीं दिए हुए, है ना, मतलब एक साथ ऐसे नहीं दिए हुए। तो अब हमें इन तीनों में से चूज करना है, एंड अगर आप सारे पॉइंट्स वर्क कर देखेंगे देन यू विल सी कि प्रोटोन को जीन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन से होते हैं, तो ए तो बहुत करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। अगेन कॉम्बिनेशन वाला भी क्वेश्चन है, दैट इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग। थर्ड ऑप्शन जो है इसका वेरी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन देखते हो तो उनमें से कई बार एक ऑप्शन ठीक होता है अगर स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं, एंड कॉम्बिनेशन वाले में इस तरीके से ऑप्शंस इजीली रिमूव हो जाते हैं, सो दैट हमारे पास कम चॉइस बने एग्जैक्ट आंसर को चुनने के लिए। अच्छा जी, अब देखिए अगेन ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, एंड ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी जून 2018 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हालांकि बहुत सारी बातें अप्लाई होती है, बट जो बहुत कॉमन चीज़ अप्लाई हो रही है दैट इज कॉमन सेंस। अब आप ज़रा पढ़िए इसको एंड यू विल सी कि अगर वैक्सी क्यूटिकल है, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि वी नो दैट, आप नॉर्मल सोचिए वैक्स का, आप नॉर्मल सोचिए, ठीक है, क्यूटिकल, क्यूटिकल है उसके ऊपर वैक्सी कोई चीज़ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर आप नॉर्मल भी सोचें तो हम बाहर भी निकलते हैं, सनस्क्रीन लगा कर निकलते हैं, सो दैट की जो है हमारी बॉडी जो है हाइड्रेटेड रहे एंड सन का इफेक्ट ना पड़े, है ना। अगर प्लांट ऐसा काम कर रहा है कि वहाँ पर वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है, सोचिए सर। ऑब्वियस ये बात है, वाटर लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिस इज वेरी मच यूज्ड। अब देखिए, कुछ पता हो या नहीं पता हो, दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग जो कि आई गेस सबको पता होगा। एंड लकीली ये देखो ए जो है थर्ड के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है,
अब बाकी चीजें भी देखोगे, पिगमेंटेशन। अब जब हम प्लांट्स में अलग अलग पिगमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तब हम क्या देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। तो ऑब्वियसली बात है पिगमेंटेशन वाला जो है किसी से भी ना रिलेट होकर सेकेंड ऑप्शन से जो है वो रेलिवेंस जो है वो उसका होना चाहिए। अगेन आप देखोगे डी यहाँ पर आपको सेकेंड मिलेगा। इसी तरीके से लिग्निन के बारे में अगर आपको पता हो तो यू नो दैट कि जो एज एन सीमेंटिंग इफेक्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड होमियोहाइड्री, देखो हाइड्री हाइड्रो ये वर्ड हमें वाटर से रेलिवेंट मिलता है, मीन्स वेस्कुलर सिस्टम। एक एक ऑप्शन में इसकी कॉमन सेंस लग रही है, स्टिल अगर आपको सही से नहीं पता हो तब भी आप कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो सच क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, जो 25 क्वेश्चन चुनने की बात हुई है उसमें ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि आपका स्कोर हाई करने में मदद करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन ही है, इकोलॉजी जून 2018 का क्वेश्चन है। अगेन सेक्शन सी का क्वेश्चन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता है, मैंने अपने चैनल पर भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ए पार्ट के, बी सेक्शन के, सी सेक्शन के, मॉड्यूल वाइज सब कुछ मैंने बता रखा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास है, उनको छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यू नो दैट क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। बिहेवियरल इकोलॉजी में से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। यहाँ हमें इनकरेक्ट चीज़ जो है फाइंड करनी है। अगेन आप सारे ऑप्शंस को देखोगे तो यू विल सी कि पहला ऑप्शन जो है कि इट इज़ अ नेट गेन ऑफ डायरेक्ट फिटनेस व्हेन सोशलिटी इज फैकल्टेटिव। अब देखो अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ों को से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक तो हमें गलत चीज़ चुनी है, ये याद रखिए। आपको पता है आपने किन सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी हुई है। डायरेक्ट फिटनेस की अगर आप बात करते हो, ठीक है, मतलब कि जो इंडिविजुअल है उसका बहुत करीबी जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसके प्रति वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। यहाँ बोला है सोशलिटी इज फैकल्टेटिव। ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे कभी, फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन का मतलब है कि बहुत ज़रूरी है, इट्स मैंडेटरी। लेकिन फैकल्टेटिव का मतलब होता है कभी कभी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्टिंग बिहेवियर, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट फिटनेस, मतलब वो फैकल्टेटिव नहीं है, बहुत क्लोज रिलेशन है। डायरेक्ट फिटनेस की बात आ रही है तो वो हमेशा अपने बच्चे को जो है या फिर करीबी रिश्तेदार को जो है, करीबी संबंधी को जो है वो बचाएगा ही बचाएगा। तो आप बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़िए, यू विल सी सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो एक वर्ड फैकल्टेटिव दे दिया वहाँ से गड़बड़ कर दी। आप देखो कि अगर आपको इंटरेस्टिंग बिहेवियर के बारे में पता है थोड़ा बहुत, स्टिल आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप ये एक केवल इस वर्ड की हिंदी आपका काम सॉल्व कर सकती है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट तो है ही, दैट इज़ अगेन अ स्ट्रैटेजिकल पॉइंट। ये भी आपका रणनीति का एक हिस्सा होना चाहिए कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता है, मुझे तो किसी हालत में उनको छोड़ना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमेशा उनमें से आते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगेन यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन की भी बात हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की भी बात हो रही है। इवोल्यूशन जून 2018 का सेक्शन सी का ये क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर। यू नो दैट जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ इवोल्यूशनरी फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन वाला आप देखोगे कि बहुत ईजी हो जाता है। आप सारी चीज़ें पढ़कर देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट में बेसिकली हम रैंडम ड्रिफ्ट, रैंडम सैम्पलिंग भी करते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन पर भी होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, तो वेरिएशंस भी लेकर आ रहा होगा। ये लाइन तो आप हमेशा पढ़ते हो। अब आप एक दो चीज़ें देखो इसमें। पहली बात है, अगर आप डी देखोगे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है हार्मफुल एलील्स को फिक्स कर देती है। आप कभी भी जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ते हो ये चीज़ आपको हमेशा लिखी हुई मिलती है, आप इसे कोई भी बुक रेफर कर लो, यानी कि डी तो हर मायने में सही है। डी केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक हमारा समाधान कर दिया, हमारी मुश्किल आसान कर दी कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये डी इसमें हमें दे रखा है तो यही होगा। दूसरी चीज़ आप बी ऑप्शन को देखो, यहाँ पर बी नहीं दे रखा, ठीक है, एंड यहाँ पर बी दे रखा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज अलील फ्रीक्वेंसीज टू चेंज इन प्री डायरेक्टेड वे। वी नो दैट हम इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक इवोल्यूशनरी फोर्स है, किस तरीके से प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है। इवोल्यूशन कभी भी गोल ओरिएंटेड नहीं होता, प्री डिटरमाइंड
पहले से निश्चित डायरेक्शन में वो चीज़ मूव नहीं कर रही। इट्स लाइक मूविंग मूविंग मूविंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल डिटरमाइन है कि हाँ जी बिल्कुल डायरेक्शनेट है कि हाँ जी यहीं पर जो है मूव करेगी चीज़। नो, बी भी बिल्कुल गलत था। अगर बी का आपको समझ होती तब भी आप ये दोनों ऑप्शन हटाकर फिर इन दोनों में से रेक्टिफाई कर सकते थे। अगेन, कॉम्बिनेशन ने, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ने हमारी मदद की। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इकोलॉजी सीएसआईआर दिसंबर 2017 का सेक्शन सी का क्वेश्चन है। अब देखो, आप पेपर एनालाइज आपने करे हो पहले या पेपर दिए हो, यू विल सी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्या है जो कि सेट फैक्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आपको कोई अपनी समझ नहीं बैठानी है। इन द सेंस, अगर आपने पढ़ रखा है, याद कर रखा है, सेट चीज़ें हैं। एंड ऑब्वियसली कंजर्वेशन बायोलॉजी लोगे, ठीक है। एंड जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड इस तरीके से नेशनल पार्क्स के बारे में, बायो रिजर्व्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ते हैं, थिंग्स आर लाइक वेरी सेट, ठीक है, वो सेट है। अगर आपको आता है आप एक झटके में कर जाओगे, आपको नहीं आता तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, है ना, दैट इज द केस। ऐसी गिनी चुनी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी। एक बार हम पहले सी बी ए अच्छे से टारगेट कर लें, है ना, ताकि आगे हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं एंड हम उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते चले जाएं। तो देखिए, गिर फॉरेस्ट के बारे में आप बात करते हैं, मैं ये मानती हूँ कितनी जीके तो सबके पास होगी कि किसी के बारे में पता हो ना पता हो, लेकिन गिर फॉरेस्ट के बारे में सबको पता कि लायन से रेलेवेंट है ना। ई को अगर आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन सिर्फ आपको सेकंड एंड फोर्थ में मिल रहा है और किसी में मिल नहीं रहा। अगेन, जम्मू एंड कश्मीर डाचीगम नेशनल पार्क भी बहुत जो है कॉमन है। अगर आप उसको भी देखोगे, यू विल सी हंगुल जो है वहाँ पर जो है की प्रोटेक्टेड एनिमल है। केवल दो ही ऑप्शन से आपका पूरा रेक्टिफाई हो गया कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ होगा, बाकी भी आप मैच कर सकते हो, है ना। तो यही कैसे क्वेश्चंस हैं जो कि सेट फैक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, जो कि अगर आप याद करते हो तो केवल सीएसआईआर में नहीं, बहुत सारे पेपर्स में जहाँ पर जीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, आपकी एक्सट्रीम हेल्प होगी। तो गाइस, आप समझ रहे हैं जो चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें, वैसे ही प्रोसीड करें, वाइजली चीज़ों को चूज़ करें, तो हमारी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि हमारे 25 के 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एंड जो बातें मैंने आपको बोली, आई होप सो वो आप उनको हैबिट्स बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से मैं आपको सेक्शन बी के लिए, सेक्शन ए के लिए भी पहले गाइड करूँगी, उसके बाद जो है हम फिर टॉपिक्स लेना शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप प्लीज़ उसको भी ध्यान से सुनिए। एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे मेल कर सकते हो tanejaneha@gmail.com पर, या फिर कमेंट्स के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। सो गाइज, दिस इज वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। करेंटली ऑन एन अकेडमी देर इज एन ऑन गोइंग बैच कोर्स जिसमें 5 टॉप एजुकेटर्स आपको मिलकर पढ़ा रहे हैं, एंड लगभग 3 महीने में आपका जो है पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया जाएगा ऑलमोस्ट। एवरी डे क्लासेज आर गोइंग ऑन, 10 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो गई थी, बट स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जो है आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जो आपका मिस हो गया, अगेन यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लासेस, सो दैट कुछ मिस नहीं रहे एंड आप अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से उसको कर सकें। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इन बैच कोर्स आई एम टेकिंग योर सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। बैच कोर्सेज के अलावा इंडिविजुअल कोर्सेज आर ऑल्सो रनिंग, जिसमें मैं अपने अलग बैच कोर्स से, अलग दूसरे एजुकेटर से, दूसरे लाइव सेशंस जो हैं रिलेवेंट टू सीएसआईआर आपको करवा। सो गाइस, इन केस अगर आप चाहो तो आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हो। जैसे आप नेहा तनेजा टाइप करोगे, यू विल सी मी। अराउंड 600 लेसन्स आर प्रेजेंट दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रेजेंट है, आप उनको देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एंड उनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। करंटली जो स्ट्रैटेजी कोर्स है दैट इज ओवर, एंड करंटली हम जो है प्रैक्टिस कोर्स कर रहे हैं थ्रू MCQs। हर एक इंपॉर्टेंट मॉड्यूल से मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर उन पर कुछ MCQ सेशंस जो है वो डिज़ाइन किए हैं, सो दैट आप उनको देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करके बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स सीख सको, एंड एक MCQ प्रैक्टिस सेशन के तरीके से, एक पूरे सेशन से आपका वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। इन केस यू पीपल आर प्लानिंग टू टेक द सब्सक्रिप्शन प्लस क्लासेस आप लेने की सोच रहे हो, तो आप मेरा रेफरल कोड जो कि नेहा तनेजा है वो यूज़ कर सकते हो, ताकि आपको 10% डिस्काउंट जो है टोटल फीस पर मिल जाए। अगर आपको नहीं पता कि प्लस कोर्स क्या है या सब्सक्रिप्शन क्या है,
तो देखिए अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप प्लस कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। उसमें जो है सारे टॉप एजुकेटर्स एक कैटेगरी के, जैसे लाइक हमारी कैटेगरी CSIR, वो पढ़ाते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपनी कंफर्टनेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। डाउट सेशंस प्रेजेंट हैं, रिविजन क्लासेस आर ऑल्सो देयर सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सके। रिकॉर्डिंग्स हर क्लास की आपको मिलेंगी जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मैं आपको वहाँ हिंदी में पढ़ाऊँगी, बट अगेन द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। तो एक पूरी कोशिश है ताकि आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लिया जा सके। अच्छा जी, वहाँ देखिए जो बैच कोर्स की बात हुई, बट अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मेरे इंडिविजुअल अपकमिंग कोर्सेज के बारे में। जो पहला कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड स्टिल कंप्लीट हो गया वो बात तो ठीक है, बट स्टिल अगर आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। करेंटली जो कोर्स चल रहा है दैट इज प्रैक्टिस कोर्स थ्रू MCQs और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच मॉड्यूल। इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच मॉड्यूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने साथ कैरी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड टेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, टेक्निक्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। सो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम, आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है एंड आपको इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लेना है। आई होप सो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू और नॉट, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकूँ एंड मुझे फर्दर मोटिवेशन मिल सके। ब्लेस यू गाइज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ गुड डे।